हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका ट्रेनर जसपाल रावत। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूं कि वीडियो में जो भी देखते हो उसे याद रखने की कोशिश करो, उससे बोलने की प्रैक्टिस करो, दो चार आदमियों से सेम क्वेश्चन पूछो, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो और इस तरह अपनी वोकेबुलरी भी बढ़ाओ और स्पीकिंग स्किल भी बढ़ाओ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जनरल क्लास जिसे टमाटर कहती है, उससे मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोग क्या कहते होंगे? इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। इस वीडियो का वर्ब है अफेक्शन, ए फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, फॉन्डनेस, स्नेह, लगाव। माय फैमिली मेंबर्स हैव अफेक्शन फॉर ईच अदर इन द फैमिली। मेरे परिवार के सदस्यों का एक दूसरे के प्रति लगाव है। I affectionately hugged my friend when he met me after years. मेरा मित्र जब मुझे बरसों के बाद मिला तो मैंने उसे स्नेह से गले लगा लिया। Friends, बहुत पुरानी चीज, very old, उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द क्या होगा, एक उपयुक्त शब्द? इसका उत्तर भी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। द टॉपिक फॉर दिस वीडियो डिस्कशन इज एक्सीडेंट, अपघात। हैव यू एवर बीन इन एनी ट्रैफिक एक्सीडेंट? हैव यू एवर मेट विथ एन एक्सीडेंट? क्या आपका कभी एक्सीडेंट हुआ है? यस, 3 years ago, हाँ 3 साल पहले। What happened? क्या हुआ था? I was hit by a car while crossing the road. रास्ता पार करते वक्त मुझे एक कार ने टक्कर मार दी थी। How did you feel then? आपको तब कैसा महसूस हुआ था? I felt really terrible because of my injuries. मेरे जख्मों की वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। Who was involved in the accident? एक्सीडेंट में कौन कौन शामिल था? The car driver, his family, जो कार में बैठी हुई थी, and me, वाहन चालक, उसका परिवार और मैं। Did you report the issue to the police? क्या आपने पुलिस कंप्लेन की थी? No, we didn't want to get the police involved. नहीं, हम पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते थे। Were you sent to hospital after the accident? क्या आपको हॉस्पिटल भेजा गया था? No, the injury wasn't really serious. नहीं, जख्म इतने कुछ गहरे भी नहीं थे। Why should people obey traffic regulations? लोगों को यातायात के नियमों का पालन क्यों करना चाहिए? To protect themselves and others, the best way are to wear a helmet, wait for traffic lights, and stay in the appropriate vehicle or pedestrian lane. अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है हेलमेट पहनना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना,
और सही लेन में रहना। बीच में मैंने आपसे पूछा था वेरी ओल्ड, बहुत पुराने को एक वर्ड में क्या कहते हैं, वो वर्ड है एंशियंट। दिस इज एन एंशियंट आइडल, इट विल फेच यू ए हैंडसम प्राइस। यह बहुत पुरानी मूर्ति है, इसके आपको अच्छे दाम मिलेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था जनरल क्लास जिसे टमाटर कहती है उसे मिडिल और अपर क्लास क्या कहती है। तो मिडिल क्लास कहती है टमाटो और अपर क्लास कहती है टोमेटो। तो आप भी टमाटो नहीं तो टोमेटो बोलिए और अपने आप को जरा ऊंचे श्रेणी का साबित कीजिए। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए और अपने अंग्रेजी में सुधार देखिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे।